पेपर लीक का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी हावी रहा और चुनाव के बाद भी। इस वक्त नीट परीक्षा पर विवाद छिड़ा हुआ है जो कि फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। ये विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इस पर राजनीति भी तेज होती जा रही है। विपक्ष का हर नेता सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द होने पर सरकार पर तंज कसा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, जनता कह रही है कि इतने एग्जाम रद्द करने से अच्छा है ये भाजपा सरकार ही रद्द कर दी जाए। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम ने नीट परीक्षा विवाद पर बीजेपी को घेरा। उधर बीजेपी नेता जयाप्रदा ने भी इस धांधली को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने नीट का पेपर लीक होने पर अफसोस जताते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहां जयाप्रदा ने पेपर लीक को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया, साथ ही ये भी कहा कि इससे पेपर की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने पेपर रद्द करने पर सरकार पर ही चुटकी ले ली। खैर, पेपर लीक के मामले पर राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन उन लाखों छात्रों का क्या जिनकी मेहनत पर पानी फिर चुका है।